यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और अब वक्त है बड़ी बात का, बड़ी अहम चर्चा का, कुछ अहम सवालों के जवाब जानने का, क्योंकि इस वक्त सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। किसी ने कहा है कि जब रिश्तों में दरार आती है, जब दीवारों में दरार आती है तो दीवारें अक्सर गिर जाती हैं, और जब रिश्तों में दरार आती है तो फिर दीवारें खड़ी हो जाती हैं। इस वक्त हरियाणा के अंदर इनेलो पार्टी के अंदर और उनके परिवार के अंदर, चौटाला परिवार के अंदर, वही सब निकलकर सामने आ रहा है और एक दूसरे को तरह तरह के मशवरे दिए जा रहे हैं। और अब अभय चौटाला ने एक मशवरा दिया है नई पार्टी के गठन को लेकर अजय चौटाला को, कि इनकी पार्टी का नाम तो पुत्र मुह दल होना चाहिए। आज इसी पर और इसी के आसपास की तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, किस तरह की चीज़ों से क्या कुछ होने वाला है, भविष्य में किस तरह के रिजल्ट निकलेंगे, प्रदेश का क्या कुछ नुकसान होता है, प्रदेश की जनता का और कार्यकर्ताओं का कितना नुकसान होता है और सियासत पर इसका कितना असर होता है। बहुत सी बातें सियासी लोग किया करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि मैं अपने दुश्मनों का भी एहतराम करता हूं, अगर कोई मेरी आलोचना करता है तो मैं अपने दुश्मनों का भी एहतराम करता हूं। और आलोचना की अगर बात की जाए तो अक्सर लोगों को पसंद नहीं होती है, लेकिन सियासत में आलोचना होती रहे, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। अब इस वक्त मशवरों की बात की जाए, आलोचना की बात की जाए, एक दूसरे पर निशाने साधने की बात की जाए, कि कल तक कुछ अलग तरह के बयान थे, अब धीरे धीरे रोज बरोज उसमें तलखियां आ रही हैं और इन तलखियों का किस तरह का रिजल्ट होने वाला है आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि अभी तक ये कहा जाता था कि परिवार एक है, परिवार में कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन जो इस तरह की टिप्पणियां हैं, चाहे वो अभय चौटाला की तरफ से की जाएं, चाहे वो अजय चौटाला की तरफ से की जाएं, वो परिवारों को कितना अलग कर देती हैं, कितना तोड़ देती हैं। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने अपने बड़े भाई अजय चौटाला को लेकर पहली बार खुलकर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अजय चौटाला और नैना चौटाला पुत्र मुंह में फंसे हैं, उनको अपनी पार्टी का नाम पुत्र मुंह दल रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आखिर में एक दिन अजय चौटाला को ओम प्रकाश चौटाला से अपनी गलती की माफी मांगनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अभय चौटाला ने यह भी कहा कि अजय चौटाला के भाषणों में बीजेपी या कांग्रेस के विरोध के बजाय केवल इनेलो का विरोध होता है, पुत्र मुंह की झलक दिखती है, केवल लोगों को बहलाने के लिए एक व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है। आज मुझे गुंडा जयचंद कहा गया, दुर्योधन कहा गया, तो फिर इतने लंबे वक्त से मेरे साथ कैसे पार्टी में रह रहे हैं, इस बात का भी जिक्र अभय चौटाला की तरफ से किया गया। बसपा का तो गठबंधन है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से, और मुझे लगता नहीं कि जिस नई पार्टी के गठन की चर्चा प्रदेश में है वो किसी से गठबंधन कर पाएगी। आखिर उनको 100% चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से जाकर के इस बात के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि हमने एक बड़ी गलती करी है कि जिस पार्टी को चौधरी देवीलाल ने नीम रखी और जिसको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने संघर्ष के बलबूते पे खड़ा किया और जिसमें अजय सिंह का भी योगदान था, लेकिन जो योगदान उनका पार्टी के प्रति होना चाहिए था उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को निभाने की बजाय पुत्र मोह में फंस गए। ये जो नया राजनीतिक दल बनाया जा रहा है ये राजनीतिक दल नहीं है, ये पुत्र मोह दल है। आप मुझे एक चीज बताओ, अजय सिंह जी का जो भाषण है उसमें पूर्ण रूप से सिवाय पुत्र मोह के कोई दूसरी बात कही जाती है? उन्होंने कहीं ये कहा है कि हम कांग्रेस को उखाड़ेंगे? उन्होंने कहीं कहा है कि बीजेपी की गलत नीतियों की मुखालफत करेंगे? उन्होंने अपने भाषण में कहीं ये बात कही है कि हम प्रदेश के लोगों के हितों की लड़ाई को लड़ेंगे? उन्होंने कहीं SYL का जिक्र किया है?
वहां तो जिक्र केवल एक है, चाहे मिसिज अजय सिंह चौटाला किसी मंच से भाषण दे, चाहे अजय सिंह स्वयं किसी मंच से भाषण दे, वो तो केवल और केवल एक की बात कहते हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ। अगर कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ होता तो फिर मान करके चलो गुहाणा के अंदर लाखों लोग नहीं आते। केवल लोगों को बरगलाने के लिए किसी को टारगेट किया जाता है। ये आज मुझे गुंडा भी कहते हैं, दुर्योधन भी कहते हैं, आज मुझे जयचंद भी कहते हैं, पता नहीं किस किस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये मेरे साथ इतने लंबे समय तक राजनीति में रहे कैसे? इन लोगों को तो अगर ये था कि मैं इन सब प्रवृत्ति का हूँ तो फिर इनको इतने दिन कैसे निभानी पड़ी, उसके बारे में भी तो बताएं लोगों को खुल करके। हमारी पार्टी के किसी भी पदाधिकारी ने इस्तीफा नहीं दिया। जिनको पार्टी से निकाल दिया गया था, जिनका पार्टी से कोई वास्ता नहीं था, उन लोगों का झुंड इकट्ठा करके ये दिखाया जाता है कि ये पार्टी के पदाधिकारी थे। जिस व्यक्ति ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सामने अजय सिंह की मौजूदगी में ये बात कही कि चौटाला का जमाना खत्म हो गया, तो फिर मान करके चलो जो इस किस्म की भाषा बोलने वाले लोग हैं वो हमारी पार्टी के पदाधिकारी नहीं हो सकते। हमारा जो पार्टी का पदाधिकारी है उसकी लिस्ट नेट के ऊपर आप जा करके देखो, वो सारे के सारे चंडीगढ़ की जो हमारी मीटिंग थी उस मीटिंग में 100 के 100% सब हाजिर थे। तो पार्टी परिवार और पुत्र को लेकर बहुत कुछ अभय चौटाला ने कहा, और जो एक बात लगातार कही जा रही थी दोनों ही फरीकों की तरफ से, दोनों ही पक्षों की तरफ से, कि विचारधारा की ये लड़ाई है, विचारधारा की वजह से मनमुटाव हो जाता है, लेकिन परिवार एक है। अच्छी बात है, परिवार एक है, सभी के परिवार एक रहने चाहिए, लेकिन जब इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि जब परिवारों में मनमुटाव नहीं होता तो कहीं ना कहीं उनकी भाषा में, उनके शब्दों में बहुत सारी ऐसी बातें नहीं आती हैं। वहीं दूसरी तरफ अजय चौटाला ने 18 जनपद पर अपने समर्थकों से मुलाकात की, और इस दौरान उन्होंने कहा कि 9 तारीख को बड़ा फैसला लेने का ऐलान भी उन्होंने किया है। साथ ही अजय चौटाला ने यह भी कहा कि दुष्यंत को आप लोगों के बीच छोड़कर जा रहा हूं, और यह पहला मौका है जब अभय चौटाला अपने बड़े भाई के खिलाफ खुलकर बोले हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब तमाम चीजें निकलकर सामने आ चुकी हैं, दुष्यंत को छोड़कर जाने की बात अजय चौटाला करके गए हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुन लेते हैं। कार्यकर्ताओं से यही गुजारिश है कि अब पीछे से उन्होंने संभालना है और दुष्यंत उनके बीच में है, वो दुष्यंत जाने और जनता जाने और 9 तारीख जाने, तो बैठ करके कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करने का काम, पर जननायक सबद उससे जुड़ा रहेगा। यह बात किसी एक परिवार की नहीं है कि एक परिवार के अंदर मनमुटाव होता है वो उनके परिवार का मामला है, यह बात प्रदेश के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की है, उनकी भावनाओं की है, और एक पार्टी की है, और उस पार्टी में जिस तरह से अंधाधुंध चला है, जिस तरह से तमाम चीज़ें अलग अलग निकल कर सामने आई हैं, और उसका असर प्रदेश की सियासत पर भी पड़ता है, लोगों के दिलों और लोगों की भावनाओं पर भी पड़ता है, और जब इस तरह की बयानबाजियाँ शुरू हो चुकी हैं उसका कितना असर पड़ेगा, वो क्या कुछ इशारे कर रहे हैं, उस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय उनका तारुफ आपसे कराता हूँ। हमारे साथ बीजेपी से नीलम चौधरी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से सुखविंदर नारा जी हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से हमारे साथ संदीप गोयल साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह जादौन साहब हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फोन लाइन पर हमारे साथ अरविंद भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं, जननायक सेवा दल के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अरविंद जी। अरविंद भारद्वाज जी, शुरुआत आपसे करता हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी मैं सुन रहा हूं नासिर भाई। जी अरविंद भारद्वाज जी, अभय चौटाला ने एक मशवरा दिया है, एक बात कही है कि ये जो कुछ हुआ है आपकी पार्टी के अंदर, इनेलो पार्टी के अंदर, जो अलग अलग आप लोग हो गए हैं, अब आपने अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है, ये सब कुछ पुत्र मुंह में हुआ है। नैना चौटाला और अजय चौटाला पुत्र मुंह में फंसे हुए हैं और उन्हें अपनी पार्टी का नाम पुत्र मुंह दल रखना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर नासिर भाई? पहली बात तो ये कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि इनेलो में जो एक कुछ भी प्रकरण हुआ उसे एक पारिवारिक मामला बताया जाए, साबित किया जाए, परंतु ऐसा नहीं है। ये पारिवारिक विषय नहीं है, ये जो कुछ भी हुआ ये एक राजनीतिक विचारधारा की बात है, और विचारधारा की लड़ाई लड़ी जा रही है आज इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर। इंडियन नेशनल लोकदल में एक वर्ग ऐसा है जो
धक्काशाही से और जो आम कार्यकर्ता है जो इंडियन नेशनल लोकदल के सच्चे सिपाही है उन्हें धकेलना चाहते हैं और कहीं ना कहीं पार्टी पर कब्जा करना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो पार्टी पर कब्जा करके अपने मंसूबों में सफल होना चाहते हैं, परंतु आज सच्चाई ये है कि जिस तरह से जींद में हम सब ने देखा कि लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता बिन बुलाए बिना किसी न्योते बिना किसी निमंत्रण के पहुंचे, तो ये उस दिन साबित हो गया कि इंडियन नेशनल लोकदल का जो कार्यकर्ता है जो वोटर है जो सिपाही है इन लोगों का जो चौधरी देवीलाल जी का सिपाही जो है वो आज दुष्यंत चौटाला जी के साथ खड़ा है क्योंकि वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के हक और उनके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसीलिए इसे पारिवारिक मसला ना बनाया जाए कि भैया ने कहा भाभी ने कहा, एक राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है, अब इसे राजनीतिक फ्रंट पर लड़ना चाहिए। दूसरी बात पुत्र मोह की जो बात की, यहाँ पुत्र मोह की तो कोई बात भी नहीं है। आपने सुना होगा दुष्यंत जी का आज तक भी जो बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि मेरी लड़ाई सीएम की नहीं है, मैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ और अगला जो लोकसभा का चुनाव है वो जरूर लड़ूंगा। तो उनकी ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि दुष्यंत जी नहीं चाहते मुख्यमंत्री बनना, परंतु आज हरियाणा प्रदेश के जो लाखों लोग हैं वो चाहते हैं कि दुष्यंत जैसा एक पढ़ा लिखा होनहार सभ्य है एक नौजवान इस हरियाणा प्रदेश की कुर्सी पर बैठे और हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए काम। ठीक है अरविंद जी, आता हूं मैं आपके पास। संदीप गोयल साहब, दुष्यंत जैसा पढ़ा लिखा सभ्य इंसान मुख्यमंत्री बने हरियाणा का, अरविंद भारद्वाज जी कह रहे हैं प्रदेश की जनता ये चाहती है, आपने आपके नेता ने उनकी पार्टी का नाम उन्हें सुझा दिया है कि आप अपनी पार्टी का ये नाम रख लीजिए, इस तरह का नाम होना चाहिए। एक बात और उन्होंने कही कि इसको परिवार के मामले में फंसाकर एक अलग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ये पार्टी के अंदर विचारधारा की लड़ाई है। देखिए नासिर जी, जो पुत्र मोह की जो पास में आकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने जो ये कार्रवाई आगे बढ़ाई है, तो कहीं ना कहीं एक दल बनाने की जो रणनीति भी इन्होंने चलाई है ये रणनीति आज की नहीं, काफी समय पहले भी इन्होंने स्टार्ट कर रखी थी। इस मुहिम का अंदेशा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को पहले भी हो चुका था, जब 5 अगस्त की इंसो के एक संगठन इंसो के द्वारा कैथल में एक जन रैली की गई थी, तो उसमें नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को बोलने नहीं दिया, उनके भाषण में व्यवधान डाला। उसके बाद भी ओम प्रकाश चौटाला जी को इस चीज से अवगत कराया गया, उन्होंने डॉक्टर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस चीज को इग्नोर किया, अदरवाइज तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उस समय कठोर डिसीजन ले रहे थे। लेकिन जब 7 अक्टूबर की जो गुआना रैली हुई, जो मेरे भाई कहते हैं कि जींद की रैली में अगर आदि पहुंचे, तो 7 अक्टूबर की रैली में लाखों लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में अपनी आस्था जताकर चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस पर अपनी उपस्थिति दर्ज करके नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला में अपना विश्वास जताया था। लेकिन वहां पर जो अनुशासनहीनता दिखाई गई, उसके बाद इनके जो परिणाम निकल के आए, उसके बाद भी ये संभल नहीं पाए। आपने अच्छा सवाल पूछा सभ्य छवि का, शरीफ छवि का। मैं नासिर जी केवल एक ही चीज पूछना चाहूंगा, आखिर क्या कारण था कि 7 अक्टूबर से लेकर आज तक सांसद दुष्यंत सिंह चौटाला द्वारा अपने दादाजी से माफी नहीं मांगी गई आज तक एक बार भी? और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है नासिर जी, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 25 अक्टूबर को हॉस्पिटल में आए थे, वो बीमार थे, काफी तकलीफ और उनको हो रही थी, 25 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक भी वो हॉस्पिटल में रहे दिल्ली, उस समय भी उनसे कोई मुलाकात नहीं की। अगर ये माफी मांग लेते उस समय तो सारा सिस्टम ही एपिसोड ही खत्म हो जाता, और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा एक दिन पहले भी इनको ऑफर दी गई थी कि आप लोग अपने पिता पुत्र मिलकर अपने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से माफी मांग लो, और जो हमारी 17 तारीख की प्रदेश कार्यकारिणी की जो मीटिंग थी उनमें एक प्रस्ताव लाया गया। मैं अपने और भी मेहमानों के पास जाऊंगा। अरविंद जी एक बात और, माफी की स्वागत की मांग है। आज सही कह रहे हो आप, गलत काम करते हो माफी भी नहीं मांगोगे आप, ये तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो आपके संस्कार हैं। लाखों हरियाणवियों की भावनाओं को अरविंद भारद्वाज जी एक परंपरा एक संस्कृति की हम बात करते हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मान लीजिए कि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बात से ओम प्रकाश चौटाला को ठेस लगी है और वो दादा हैं, और दादा से बिना बात भी अगर माफी मांग ली जाए तो क्या बुराई है? अभय चौटाला ने ये भी कहा और उनके नेताओं ने भी कहा। भाई मैं बताता हूँ, सुनिए, ये माफी और गलती की तो बात ही नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश थी, षड्यंत्र था। माफी हो, उनके दादा है, वो 10 बार माफी मांग सकते हैं, पैर भी छू सकते हैं, वो कोई बात नहीं है, परंतु ये जो राजनीतिक जो बात है उसमें बात दादा दोते की नहीं है, ये विचारधारा की बात है। आप ये बताइए कि क्या गलती थी उनकी,
क्या दुष्यंत चौटाला जी के खिलाफ कोई एक सबूत इनके पास है कि जिसमें दुष्यंत चौटाला जी ने किसी को कहा हो कि वो नारे लगाए? पहली बात। दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं आप कांग्रेसी थे, पेड़ कांग्रेसी थे। अगर वो कांग्रेसी थे तो फिर दुष्यंत चौटाला जी के खिलाफ कार्रवाई क्यों की? अगर दुष्यंत जी दोषी थे तो उनके खिलाफ सबूत लाइए। आपने जो कमेटी बनाई है, अनुशासनात्मक जो कमेटी थी, उसकी कोई मीटिंग हुई नहीं, उनकी कोई सुनवाई हुई नहीं, दुष्यंत जी से जवाब लिया नहीं, ये कैसा न्याय है साहब? फिर आपके अपने विधायक नगेंद्र भराना 4 साल से बीजेपी के मंच पर खड़े होते हैं, आपके किसी प्रोग्राम में आते नहीं, उनको आज तक एक नोटिस क्यों नहीं दिया? इसका जवाब देकर जाए गोयल साहब। ठीक है, मैं इसका जवाब भी लेते हैं। मैं आता हूँ आपके पास, अरविंद भारद्वाज जी आता हूँ, राजेंद्र सिंह यादव साहब। हाँ जी सर, सारी बातें आपने सुनी। इस मामले को अब कह सकते हैं परिवार में आस्था संस्कृति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि दादा से माफी मांगनी पड़ेगी, अजय चौटाला और अब दुष्यंत चौटाला को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से माफी मांगनी पड़ेगी और सारा मामला सही हो जाएगा। क्या इस मामले को इस तरह से अब एक सहानुभूति इस तरह से लेने की कोशिश की जा रही है क्या? दूसरी तरफ जिस तरह से पार्टी का नाम पुत्र मुंह में फंस कर ये सब कुछ हुआ है, ये वजह है। बाकी जो जननायक सेवा दल के लोग हैं, अजय चौटाला हैं, वो बार बार कहते हैं कि ये सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है, पार्टी हमारा एक है, हमारा परिवार अभी भी एक है, पार्टी में विचारधारा की लड़ाई है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो भटकते होंगे कि भाई कोई नया सब्जेक्ट चाहिए पीएचडी करने के लिए, तो ये इनेलो में जो कुछ हुआ है ना, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को एक सब्जेक्ट मिल गया। अच्छा, कि भाई वो रिसर्च करें कि आखिर में इनेलो में ये इस तरह की जो अंतरकलह क्यों पैदा हुई और उसके परिणाम में एक नई पार्टी का आगाज क्यों हुआ। अच्छा, एक नया सब्जेक्ट मिल गया। मुझे लगता है कि देश भर की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो करेंगी, क्योंकि वो एक अपने आप में एक इनेलो जो है मिल गया उनको, है ना। हाँ, उनको एक विषय मिल गया। अब आप देखिए कि इसमें बहुत सारे तर्क हैं। आज विचारधारा की बात कर रहे हैं, जननायक सेवा दल की प्रवक्ता जो भी है, आखिर में अगर ये पार्टी देवीलाल जी की विचारधारा पर चल रही है, ये एस्टेब्लिश फैक्ट है, बहुत सार्वजनिक है, सालों से ये चला आ रहा है, तो आखिर में अगर कोई डिविएशन हो रहा था, अगर कोई रास्ता छोड़ा जा रहा था देवीलाल जी की विचारधारा से, तो उसका रिवोल्ट पहले सामने आना चाहिए था ना। वो गोहाना रैली में ऐसे नारेबाजी के रूप में क्यों सामने आया? हूटिंग के रूप में, वो नारेबाजी नहीं थी, वो हूटिंग के रूप में थी, क्योंकि मैं वहां मौजूद था। आखिर में मैं तो किसी पक्ष के साथ नहीं हूं, मैं तो कोई अगर ये सोचता हो कि मैं किसी पक्ष की पैरवी कर रहा हूं तो वो सोच वो निकाल दे, लेकिन जो तथ्य देखे जा रहे हैं, आखिर में अगर विचारधारा की लड़ाई थी तो ये देवीलाल जी की विचारधारा छोड़ी जा रही थी, तो इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे, पार्टी के मंच पर भी होना चाहिए था। जो मीडिया में और जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे वो तो ये खबरें उठा रहे थे कि चाचा भतीजे में टसल है, चाचा भतीजे को इग्नोर कर रहा है, भतीजा चाचा को अटैक कर रहा है, इस तरह की बातें क्यों आ रही थी? तो इसको विचारधारा की लड़ाई माना जाए या पारिवारिक लड़ाई माना जाए, ये तो देखो कोई इस पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट जो है वो रिसर्च करेगा और इसको साबित करेगा। लेकिन वो तथ्य अच्छा, जो दिखाई दे रहे हैं ना, छोड़ा जा रहा है माफी मांगने से। अब देखिए, इसमें माफी मांगने का मतलब ये था जी कि वो जो हूटिंग हो रही थी तो उसको सुनकर ओपी चौटाला जी ने कहा कि भाई ये जो कुछ चल रहा है मुझे पहले से पता है। तो क्या चल रहा था? तो उसको मैं किसी ने खड़े होकर खंडन किया इस बात का कि ये चल रहा है तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं? या जो युवा नेता मौजूद थे, क्या उन्होंने उनको फटकारने का काम किया? क्या उन्होंने उनको जो है अनुशासन की नसीहत देने का काम किया? वो युवा नेता उनको अनुशासन की नसीहत नहीं दे रहे थे, जबकि बड़े सीनियर्स को ये कहना पड़ा कि पठा बिल्कुल दो, उसमें क्या दिक्कत है? मैं तो तथ्यों का पारखी हूं और मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं। दो और मेहमान हैं, उनकी और प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। नीरम चौधरी जी, पार्टी का मामला है, हो सकता है पहली लाइन ये कह दें कि भाई उनके अंदर पार्टी का मामला है, लेकिन सियासत में जब हम इस चीज को लेकर आते हैं तो ये पूरे प्रदेश का मामला बन जाता है। एक पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है, वो बिखर चुकी है, टूट चुकी है, किस तरह से आप देखती हैं परिवार का मामला, वो वहां पर बिखरा हुआ है, ये विचारधारा की लड़ाई है? जी देखिए, पहले लोकतंत्र में नई पार्टियां बनती रहती हैं, एक और नई बनी है, अच्छी बात है, उनको मुबारक हो, इससे डेमोक्रेसी मजबूती होती है। अगर हम इसको एक न्यूट्रल वे में देखें, नई पार्टियां उसका अभी उसका ऐलान होगा, अभी तो वो नाम दिया उन्होंने पुत्र मोह, आपको भी लगता है ऐसा ही है? नहीं, उनका कोई ना कोई तो पर्पस होगा। हाँ, एक जो पुत्र मोह जो एक जो चीज है ना, जो पार्टी एक परिवार पर आधारित होती है तो परिवार की प्रॉपर्टी की तरह उसका भी बंटवारा होता है। 28 साल पहले भी जो है रणजीत सिंह और ओम प्रकाश चौटाला में हुआ था, आज ये अभय और अजय में हो रहा है, हम कुछ टाइम बाद देखेंगे कि ये दुष्यंत और दिग्विजय में भी ऐसा ही होगा। जब पार्टी भी एक प्रॉपर्टी बनती है तो उसका डिविजन प्रॉपर्टी मैटर्स की तरह होता ही होता है, और हमारे हरियाणा में स्पेशली परिवार हमेशा से डोमिनेट करते हैं। कितने और परिवार भी हैं हमारे पास, ये बंसीलाल जी का
परिवार है, भजन लाल जी का परिवार है, सुरजेवाला का परिवार है, तो इनके परिवार जो आगे चलते रहते हैं। इसमें क्या है कि हमेशा दो बेटे हैं, दो प्रॉपर्टी की तरह पार्टी का भी डिविजन हो रहा है। तो ये एक चीज है कि परिवारवाद जो है वो हावी हो रहा है, जैसा कि अभी बातचीत भी की, कोई विचारधारा नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, उनका डीएनए वही है। जिस तरह से इनेलो बात कर रही थी, आज दुष्यंत नैना चौटाला भी उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, डीएनए दोनों का बराबर ही है। लेकिन जो एक महत्वाकांक्षाओं का गृह युद्ध होता है ना, हर कोई जो है पावर में रहना चाहता है, तो वो एक आधार बन जाता है इनके डिविजन का, तो वो एक अलग से पार्टी बनी है। लेकिन ये परिवारवाद को बढ़ावा देता है। लेकिन 2014 के इलेक्शन में ये साफ हो गया था कि हरियाणा की सरकार जो है, हरियाणा की जनता परिवारवाद को महत्व नहीं देती है। तो इस वजह से जो है ये फूट के जो कारण है और भी बढ़ते जा रहे हैं कि लालसा बहुत ज्यादा है और हर कोई किसी न किसी चीज से छुटकारा नहीं चाहता है। तो ये कोशिश है इस ग्रुप की भी कि वो एक अलग इमेज शायद बना सके, लेकिन ये परिवारवाद की पार्टी है जो टूटी है, उसमें भी परिवारवाद रहेगा और इसमें भी रहेगा। हम ये ना सोचें कि एक नई पार्टी खड़ी हो रही है। सुखविंदर जी, एक पार्टी जिसका एक बहुत बड़ा कैडर था, बहुत सारे कार्यकर्ता थे, बड़े मजबूत कार्यकर्ता थे, उनमें बिखराव होता है, तो दूसरी राजनीतिक पार्टियों को और उनके परिवार में भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, वहाँ भी मनमुटाव होता है, पार्टी के अंदर भी मनमुटाव है, वो बिखराव सबके सामने है, दूसरी पार्टियों को, कांग्रेस को, बीजेपी को उससे कितना फ़ायदा मिलता है? देखिए, जहाँ तक हम पार्टीज की बात करते हैं तो हम एक विश्व की एक बड़ी लोकतंत्र में रहते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टीज हैं। मैं मानता हूँ कोई भी संगठन है, कोई भी पार्टी है, उसके अंदर अगर लोकतांत्रिक सिद्धांत जिंदा है तो संगठन जिंदा है। इनेलो में क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स कभी थे ही नहीं। अच्छा। जिस तरह से वर्कर्स को, जिस तरह से विधायकों को ट्रीट किया गया, डेमोक्रेसी की जिस तरह से वायलेशंस की गई, वो आज उनके पतन का कारण बनी। अगर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता, उनको माना जाता, तो इनेलो का पतन ना होता। इनेलो के पतन का जो मुख्य कारण है वो यही है कि पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक सिद्धांतों की जो अवहेलना हुई है। और पार्टी की जहां तक मोह की बात करें, जैसे आपने कहा कि अजय का पुत्र मोह, अभय ने जैसे कहा कि अजय का पुत्र मोह, मैं मानता हूं कि मोह होना चाहिए पार्टी को, लेकिन किसका मोह हो? जनता के हितों का मोह होना चाहिए। जनता की जो वेलफेयर की बात करती है, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो पार्टी के नेता है, चाचा ने कहा कि भतीजा बीजेपी को सपोर्ट करता है, भतीजा कहता है कि चाचा जब सदन में जाते हैं, जब विधानसभा में जाते हैं, तो पार्टी की नीतियों पर चल करके भाजपा को सपोर्ट करते हैं, तो दोनों ने एक दूसरे को एक्सपोज किया है। जनता के हितों की किसी ने बात ही नहीं की, यहाँ पर बात की है सिर्फ अपने हित की। जब आप अपने निजी हित देखते हैं तो पार्टी का पतन तय है, और पतन का मुख्य कारण भी यही रहा है कि आपने लोगों के हितों की बजाय अपने हितों को सर्वोपरि रखा, आपने परवाह नहीं की जनता क्या चाहती है, जनता के दुख दर्द क्या है। तो ये कहते हैं कि अभय चौटाला कहते हैं कि उन्हें प्यार मोह नहीं है मुख्यमंत्री बनने का, दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि उन्हें मोह नहीं है। अगर आपको मोह नहीं है, अगर आप ये कहते हैं कि मुझे नेता प्रतिपक्ष के पद का मोह नहीं है, मुख्यमंत्री पद का मोह नहीं है, तो आपने अपने अलावा नेता प्रतिपक्ष किसी और क्यों नहीं बनाया अभी तक? पहले भी पार्टी में और भी नेता लोग हैं, और भी विधायक है, क्यों नहीं बनाया आपने अभी तक? दूसरी बात, जो पद की जो गरिमा है, तो आपने खुद उस पद की गरिमा की अवहेलना की है। अभय का जो रवैया है, चाल चरित्र और चेहरा है, सबके सामने है। विधानसभा में क्या हुआ? मैं उत्तर देना चाहूंगा सुखविंदर नारा जी का, लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले मेरे भाई का। इनके पार्टी के अंदर लोकतंत्र दिल्ली की सड़कों पर सरेआम लहू इन्होंने बड़ा ही अजीब सवाल उठाया कि इन्होंने विधानसभा में आवाज नहीं उठाई। मैं मेरे भाई का एक ध्यान लेना चाहता हूँ, हमारी पार्टी ने, इंडियन नेशनल लोकदल ने विधानसभा के अंदर 184 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाए, 18 काम रोको प्रस्ताव लाए, 250 चर्चाएं की, हरियाणा के हर कर्मचारी की, किसान की, वर्ग की, छात्राओं की, महिलाओं की, सबकी आवाज हमने उठाई। ये तो रिकॉर्ड की बात है। आप विधानसभा एक एक बात लिए, एक आवाज आने का कष्ट कीजिए, वही से पता चलेगा। एक सवाल और है, हितों की बात लड़ाई। अरविंद भारद्वाज जी, एक सवाल ये था कि अभय चौटाला ये भी कह रहे हैं कि मुझे दुर्योधन कहा, मुझे जयचंद कहा, मुझे गुंडा कहा, और इतने दिन से फिर मेरे साथ कैसे रह रहे थे जब इतनी मेरे अंदर कमियां थी? नासिर भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये बातें कही गई वो कहीं ना कहीं उदाहरण के तौर पर, जैसे महाभारत का जिक्र किया कि जिस तरह से कौरव पांडव थे, दुर्योधन थे, मेरे ख्याल से अजय सिंह चौटाला जी ने उस तरह से कहा, और ये इनका पारिवारिक मामला है, क्योंकि उन्होंने खुद कह दिया बाद में कि वो मेरा बिल्लू भी है, मेरा छोटा भाई है, मुझे अजीज है। और मतलब ये जो शब्द कहे गए जिनको आज ये मुद्दा बना रहे हैं, ये बहुत हल्के शब्द, बहुत हल्के माहौल में कहे गए, और बाद में उसमें सफाई उन्होंने खुद दे दी थी।
परंतु सबसे बड़ी बात यह नासिर जी, राजेंद्र जी जो सवाल उठा रहे थे, मैं उसका जवाब दे दूं पहले जी। उन्होंने कहा था कि इस रैली में जो हूटिंग हुई या जो नारेबाजी हुई, उससे पहले कभी इन बातों का विरोध क्यों नहीं किया? अगर चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पर नहीं चल रहे थे पार्टी के लोग, सर तो मैं बताना चाहूंगा साहब, इसका पहले भी विरोध हुआ। जिस तरह से दुष्यंत चौटाला जी हमारे संसदीय दल के नेता है, उसके बावजूद उनका फोटो पार्टी के सभी प्रोग्राम, जितने भी बड़े प्रोग्राम, जितनी कार्य हमारी पार्टी की जो कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, दिल्ली की जो रैली हुई, बहुत बड़ी जो रैली हमारी हुई थी, उसमें भी सब जगह से दुष्यंत चौटाला जी के फोटो हटा दिए गए। यहां तक कि उनका भाषण देना भी बंद करा दिया गया था प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में, तो जबकि वो संसदीय दल के नेता थे। वो आपको ऑफिशियली भी, आपको प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें भाषण दिलाना चाहिए था। तो यही नहीं, इसके अलावा बहुत सी बातें थी, जैसे कि नैना चौटाला जी ने बताया कि जो हमारे प्रोग्राम करता, चाहे मेरे या दुष्यंत के कोई भी अगर कार्यक्रम करता था, तो उन्हें भी धमका दिया जाता था। यानी बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहे थे अरविंद भारद्वाज जी, आप लोग बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहे थे, आपको अपमान किया जा रहा था आम लोगों का, है ना? एक और जी, एक और बात जी, अजय चौटाला जी को किस तरह से, किस बिना पर, मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि उन्होंने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया, ना तो हूटिंग वाले दिन शामिल थे, ना वो तो जेल में थे उस टाइम, तो उनके खिलाफ सिर्फ ये कह देना कि उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बिना अनुमति के बुलाई, ठीक है सर, ठीक है जी, तो आप भी लेकर नहीं आते। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि पुत्र मुंह में पार्टी बनाई है, पुत्र मुंह दल रखना चाहिए इस पार्टी का, इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि एक परिवार जो अभी तक अपने आप को बहुत मजबूती के साथ एकजुट होने की बात कर रहा था, अब वहां से भी अब एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं, और बहुत सारी बातें हैं, प्रदेश की जनता सबको जान रही है, और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा चल रही थी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, जो टूट फूट हुई, जो बिखराव हुआ, और फिर चौटाला परिवार में एक दूसरे को लेकर अब जिस तरह से बयानबाजियां की जा रही हैं, यहां पर जननायक सेवा दल और उसके प्रवक्ता और अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला और तमाम लोग, दिग्विजय चौटाला, वो कह रहे हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब शक्ति और सत्ता की बात आती है तो सभी उसको अपने पास रखने की कोशिश करना चाहते हैं, और फिर वहां पर बिखराव हो जाता है, और सत्ता के लिए, शक्ति के लिए, पावर के लिए लोग एक दूसरे को आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जादौन साहब, शुरुआत आपसे करता हूं। अरविंद भारद्वाज जी अभी फिलहाल जुड़े हुए हमारे साथ, एक बार कॉन्टैक्ट टूट गया लेकिन सुन रहे होंगे वो, कि विचारधारा की बात कर रहे हैं बार बार, कि विचारधारा की लड़ाई है। यहाँ पर दोनों ही पक्ष ये कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनने की चाह नहीं है, सेवा करना चाहते हैं। मिसालें थी इनके पास कुछ दिखाने के लिए जनता को कि हमें सत्ता का और कुर्सी का लालच नहीं है, हम तो विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, ये बात तो शुरुआत से ही होनी चाहिए थी कि विचारधारा से कैसे भटकाव हो रहा है, क्यों, उनसे तथ्य हैं जो विचारधारा से भटकाव को प्रमाणित करते हैं। ये बात क्यों, ये तो मुद्दा तो ये बनाया गया कि कार्यकर्ताओं का अपमान किया जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है, तो ये तो विचारधारा से जुड़ी हुई चीजें नहीं है ना। ये बताया जाना चाहिए था ना कि चौधरी देवीलाल जी, चौधरी देवीलाल जी ये काम करते थे और वो ये काम नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं दिखाया गया कि भाई ये मुद्दे, आपकी आवाज और उनकी बात, हम तो ये सोचते हैं कि इस देश की आवाम और इस देश का मीडिया भी सुनना चाहता है कि आखिर में वो कौन से मुद्दे थे जो ये पार्टी छोड़ रही थी, और आपने पार्टी में रहकर कितना संघर्ष किया उन मुद्दों पर पार्टी को लौटाने के लिए, नेतृत्व को लौटाने के लिए। आखिर में वो मंच एक बहुत सशक्त मंच था जो देवीलाल जी के जन्मदिन पर रैली के रूप में, सम्मान दिवस रैली के रूप में, वहां भी जो वक्ता अगर आप थे या आप बोलने का प्रयास कर सकते थे, मौका मांग सकते थे कि भाई ओपी चौटाला साहब आए इस रैली पर, जो इस पार्टी का संरक्षक है अभी, तो उनको ये याद दिलाया जाना चाहिए था कि इन इन देवीलाल के इन इन सिद्धांतों को छोड़ा जा रहा है, भटकाव किया जा रहा है, तो ये बात क्यों नहीं आई? पहले तो ये आती रही, कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है। अरविंद भारद्वाज जी, मैं जवाब दूं इसका? हाँ, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, जवाब का स्वागत है। बिल्कुल, राजेंद्र जी, चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा थी कि इस देश में, इस प्रदेश में हमारी पार्टी में लोकतंत्र जिंदा रहे, उसी लोकतंत्र को खत्म किया गया जब कार्यकर्ताओं को धमकाया गया, और दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी के कार्यक्रम करने वाले लोगों को धमकाया गया, उनको जो संसदीय दल का नेता है, एक लोकतांत्रिक पद है उनके पास,
संवैधानिक पद है, उनको बोलने से रोका गया, उनके मंच से उनको भाषण नहीं देने दिया गया, उनके फोटो हटाए गए। ये पहली बात, ये चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा हमेशा ये थी कि उन्होंने कभी किसी का हक छीनने की कोशिश नहीं की। चलिए चलिए, इस सवाल का एक जवाब नहीं, आपने जो बात रखी है, मैं कोई पक्ष नहीं हूं, लेकिन मैं इस पर एक सवाल करता हूं आपसे कि क्या इस बात की राष्ट्रीय अध्यक्ष को शिकायत की गई? क्या आपके पास उसकी कॉपी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को शिकायत की गई कि लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, इस तरह से कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, पार्टी का अंदरूनी लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है? इसकी शिकायत तो पार्टी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानी चाहिए थी ना, क्या आप उसकी कॉपी दिखा सकते हैं? ठीक है जी, अरविंद जी, मैं बताता हूँ। जब हमारी गुड़गांव की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी 4 तारीख को रैली से पहले, उसमें उस मीटिंग में भी खड़े होकर कार्यकर्ताओं ने चौटाला साहब के सामने भरी मीटिंग में, जहां कम से कम 1,500 आदमी था, एक कार्यकर्ता ने तो खड़े होकर चौटाला साहब से शिकायत करी थी जो आप और हम बात कर रहे हैं। ये गोयल साहब उस मीटिंग में थे, गुड़गांव की, नहीं पता होगा क्यों कहा है, था नहीं कहा था, मैं नाम भी बता दूंगा, किसने, डॉक्टर मंदोरा है दादरी से, उन्होंने खड़े होकर शिकायत करी थी। बड़े सीनियर व्यक्ति है, कोई लगभग 50 से 55 उम्र है और लगभग 20 से 25 साल है पार्टी में, उन्होंने शिकायत करी थी। पहली बात। दूसरी बात, पार्टी के अंदरूनी जो मंच है, जितनी मीटिंग होती है उनमें भी शिकायत हुई चौटाला साहब से। 17 तारीख को जो वो जेल में गए, उससे एक दिन पहले दुष्यंत जी और दिग्विजय जी जब मिलने गए तो तथ्यों के साथ गए थे, और रिटर्न में वो बहुत बड़ी एक अपनी चिट्ठी अपने जवाब के रूप में चौटाला साहब को देख रहे हैं, जिसमें सबूत मौजूद है। अरुण भारद्वाज जी, ओम प्रकाश चौटाला की अगर बात की जाए तो वो अपने वक्तव्यों के लिए, अपने स्पष्टता के लिए, अपने सच बोलने के लिए, खरा बोलने के लिए जाने जाते हैं। जब उनके सामने इतनी शिकायतें आप लोगों ने की, इतनी बातें उनके साथ में पहुंची, और वो लोकतंत्र की बात करते हैं, वो संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं, तो फिर उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, क्या लगता है आपको? एक्शन आप लोगों के खिलाफ ही, यानी आप लोग तो पीड़ित थे, दुष्यंत चौटाला पीड़ित थे, आप उनका पक्ष पीड़ित था, तो उन्होंने पीड़ित को ही और क्यों परेशान कर दिया? चौटाला साहब का ये रुख क्यों रहा, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, ना मैं उसको बना सकता, जवाब नहीं दे सकता। जवाब तो एक बार सुन लीजिए, चौटाला साहब ही दे सकते हैं, यह परंतु सबसे बड़ी बात यह है, आप ये देखिए कि दुष्यंत और दिग्विजय जी के खिलाफ जो निष्कासन हुआ, अजय चौटाला जी के खिलाफ हुआ, ये किस आधार पर हुआ? आप अगर अनुशासन की बात करते हैं तो आपकी अपनी पार्टी के विधायक, चाहे वो नैना चौटाला जी हो, चाहे वो नगेंद्र बनाना हो, वो आपके खिलाफ है। जो एक विधायक जो बीजेपी के मंच पर खड़ा होता है, आपकी रैली में आता नहीं, ये भाई साहब राजेंद्र जी से मेरा जवाब, क्योंकि ये इन लोगों के प्रवक्ता की तरफ बात कर रहे हैं, तो ये देश का जवाब नगेंद्र बनाना के खिलाफ क्यों नहीं हुई? देखिए देखिए, सच्चाई की बात अगर आपको इनेलो के प्रवक्ता की लगती है तो कोई बात नहीं, आप अपनी डायरी में लिख के रख लीजिए, लेकिन मैंने सच्चाई की बात की है। ये तथ्य जो आप अभी कह रहे हैं, ये शुरुआत में जब आपने मुद्दा उठाया तब आपको ये उठाया जाना चाहिए था कि आंतरिक लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, आपने ये मुद्दा नहीं उठाया गया। ये जो है ये पारिवारिक लड़ाई का ही रूप दिया गया, ये बात आनी चाहिए थी कि हमने ओपी चौटाला, अरे आपकी तरफ से तो ये कहा जाता रहा कि ओपी चौटाला ने ऑर्डर जारी नहीं किया निष्कासन का, आपको शिकायत करनी चाहिए थी कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष भी हमने मुद्दा उठाया है और वहां से कोई एक्शन नहीं हुआ, इसलिए ये सब हो रहा है। ठीक है, ये आपको जवाब आना चाहिए था ना। अरविंद भारद्वाज जी, ये बात आपके मंचों से इससे पहले नहीं की गई कि हमने ओम प्रकाश चौटाला जी उनके सामने भी अपनी तमाम बातें रखी हैं। हाँ, ये बताओ उन्होंने कोई ये मुझे प्रवक्ता बता रहे, ये बात अब निकल कर सामने, तो उससे पहले क्यों नहीं आई? हो सकता पहले क्यों नहीं आई ये बात कि हमने शिकायत रखी है? कभी भी नहीं रखी, कभी नहीं आई, और बल्कि ओपी चौटाला जी, हाँ जी, सुनिए मैं बताता हूँ। कैथल की एक मीटिंग में, कार्यकर्ता मीटिंग में, एक राजू पाई नामक कार्यकर्ता है हमारी पार्टी का, उन्हें भरी मीटिंग में धमकाया गया। भिवानी में एक जस्सू गोयत है, उन्हें भरी मीटिंग में धमकाया गया, मतलब ओपन पब्लिकली पूरे जिले के कार्यकर्ता। सवाल ये है कि आपने इन बातों को पहले क्यों नहीं रखा? ये बात पहले क्यों नहीं रखी? पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आपको ये बात उठानी चाहिए थी। नहीं, आप जनता को भी बताते अपने भाषणों के दौरान, जब बड़े बड़े भाषण दिए गए हैं अभी तक, ये तब भी आती है कि हमने हर बात की शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन उन लोगों के खिलाफ नहीं लिया जो पार्टी में लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। नासिर जी, ये सब बातें खुलकर तब आई है जब ये अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है, उससे पहले चल रहा था, पर पार्टी में अंदरूनी था,
हर पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता ये सोचता है कि हम अपने परिवार एनएलओ जो एक परिवार है, हम पार्टी के जो मामले हैं उनको पार्टी के संदीप जी मैं आता हूँ आपके नेता और भी जो भी नेता हैं वो डरा रहे थे, धमका रहे थे, पार्टी पर एक तरीके से कब्जा किया हुआ था। नासिर जी ये केवल मिथ्यारोप है, झूठ के गुब्बारे उड़ाने की आदत इनको शायद पड़ चुकी है। इनको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सशक्त नेतृत्व पे भी इनको शक रहता है। इन्होंने कभी भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के समक्ष वो इतनी बार भारतीय जनता पार्टी की तरह इंटरप्ट करना सीख गए हैं, उनके पश्चिमों पे चलना शुरू कर दिया क्या आप लोगों ने भी? आप सुने, आप यही तो अनुशासनहीनता है, आप अब भी नहीं समझ पा रहे। आप सुने चौधरी ओम प्रकाश काशी जी क्या हुआ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के समक्ष आवाज मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपके पास आऊंगा क्योंकि सभी बोलेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा उनकी आवाज, आप फोन पर इसलिए और दिक्कत होगी जी। नासिर जी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग जब गुड़गांव के अंदर हुई तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में हुई, ऐसी कोई बात वहां पर नहीं उठाई गई। अब ये कहते हैं कि 17 तारीख को दुष्यंत और दिग्विजय ने लेटर दिया, 17 तारीख को वो केवल जवाब निष्कासन का दे के आए थे, ना कि किसी कार्यकर्ता के ऊपर अपमान का या किसी और चीज सम्मान ठेस पहुंचने की। अगर कोई बात है तो इनको केवल कुछ स्वार्थी लोग हैं जो अपनी सिचुएशन फिट मानना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। ये आज चौधरी अजय सिंह चौटाला के साथ वो लोग खड़े जिन्हें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने पार्टी में रहते हुए कभी एमएलए की टिकटें दी, वाइस चांसलर बनाए, एचपीसी के मेंबर, चेयरमैन तक बनाए, और वो लोग ये कहते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का युग खत्म हो गया। ऐसे लोगों को ये साथ लेकर मन साझा करते हैं, ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, पार्टी के लोकतंत्र को दबाने का आरोप लगाते हैं। पार्टी का लोकतंत्र आप जैसे लोगों ने खराब किया, कुछ चुनिंदा लोग जो पेड़ वर्कर हैं उन लोगों ने पार्टी के लोकतंत्र पर हमला करना चाहा। ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का युग था जिन्होंने आपके सारे वालों को एक साइड करके रख दिया। आज लोकतंत्र की दुआई दे रहा हूँ, आप लोकतंत्र की दुआई दे रहे हो, आपके पास प्रकाश छोटा जी। एक मिनट नीलम चौधरी जी, परिवार की बात आती है, फिर परिवारवाद की बात आती है और वो हर जगह दिखता है। ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी में ना हो तो कहीं ना कहीं जो नेता है वो कहीं ना कहीं, और अगर कोई एमएलए एमपी बनता है तो उसको जनता चुनती है जी। आपने शुरू में कहा था कि ये एक तरीके से जमीन का विवाद होता है कि दो लोगों में बंटता है, पार्टी भी इसी तरह से बंट रही है, लोकतंत्र की दुहाई दोनों तरफ से दी जा रही है जी। कितना बचाने की कोशिश किसने की है लोकतंत्र को पार्टी के अंदर? अब देखिए हम इनेलो की बात कर रहे हैं और इस पूरे एक डेढ़ महीने से ये डेली सोप अपेरा इनका चल रहा है, मीडिया भी इसको खूब अटेंशन दे रहा है, लोग भी ये तमाशा देख रहे हैं। कोई तमाशा दिखाएगा तो लोग देखते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, नेचुरली वो एक चीज है। आप इस दौरान देखिए कि इनकी भाषा शैली का स्तर क्या रहा है और इन्होंने एक दूसरे ने किसने अनुशासन दिखाया है, इन्होंने क्या पिक्चर सबके सामने रखी है। जो पार्टी इस तरीके से आप में आपसी जो झगड़ों को बढ़ाती जा रही है, भाषा का इस्तेमाल करिए, हरियाणा उनके हाथ में अपना शासन कैसे दे सकता है? अच्छा। हरियाणा की जनता पूरे हरियाणा को इनके हाथों में नहीं दे सकती। बेसिकली ये दोनों जो है अपने झगड़ों में दोनों ही अपने अपने अंत की ओर जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा इनेलो का डीएनए तो एक ही है, चाहे ये दो पार्ट हो जाएंगे, दो डिवीजन बन जाएंगे, लेकिन जो इनका बिहेवियर है ये खुद ही बता रहे हैं कि वो भी इतने अनुशासनात्मक कार्यवाही को नहीं फॉलो करते थे, ये भी, और एक दूसरे को गुंडागर्दी वाली बातें भी सारी करते हैं। हमने कुछ टाइम पहले अभी नैना चौटाला की स्टेटमेंट देखी है, दुष्यंत की देखी, इन्होंने किस किस तरीके से एक दूसरे को नहीं एक्सपोज किया, पूरा इनका जो करेक्टर है डीएनए है वो सारी जनता के सामने आ गया। एक बात चल रही थी पुत्र मोह की, पुत्र मोह होता ही है और इस केस में भी है, यही नहीं हम सेंटर में भी देखते हैं, सोनिया गांधी में भी तो पुत्र मोह है, वो भी तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है। गांधी परिवार जो है वो भी एक परिवारवाद है और वो परिवारवाद की पार्टी ने ही कांग्रेस को कंट्रोल कर रखा है, इसीलिए वो आज भी गठ में जा रही है। कोई भी पार्टी अगर परिवार के द्वारा कंट्रोल की जाती है तो एक वक्त आता है जब उसका आखिरी राजा होता है और वो उसका खत्म भी होना होता है। परिवारवाद हमेशा एक करप्शन की तरफ लेके जाता है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी जो एक संगठनात्मक पार्टी है उसके आप हेड देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर हरियाणा के, आपकी पार्टी में करप्शन एक्सपोज हो चुका है, करप्शन की बात मत कीजिए, अपनी पार्टी करप्शन की बात कीजिए, उत्तराखंड के और इवन यूपी के सिंह क्या किसी परिवार से हैं, लेकिन सभी अपने राज्यों को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। तो जो परिवारवाद है उसका जो समय है वो खत्म हो चुका है, पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी दुनिया में बदल रहा है, तो परिवारवाद पार्टी जो है वो अपने अंत की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। जी 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 गौर जी नाराजी, हाँ ठीक अरविंद जी आता हूँ आपके पास, नाराजी सुखविंदर नाराजी। हाँ जी देखिये, भाजपा के प्रवक्ता एनआरसी के डिस्प्यूट पर बात करते हुए कांग्रेस पर लांछन लगाने लगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में शुरू से लोकतंत्र है, आजादी से पहले की पार्टी है,
कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखती है। जहां तक भाजपा की बात है, ये तो किसी के बारे में बात कर ही नहीं सकते। इनके प्रधानमंत्री को खुद लोग जनता जो है तनाशा मानती है। इनके पार्टी में अमित शाह और मोदी के अलावा कुछ नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब फाइल किया है उसमें इनके जो सुरक्षा सलाहकार है, आप बोलने दीजिए, मैडम बोलने दीजिए। आज डोवल पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने इंटरफेरेंस की सीबीआई में, तो ये पार्टी के लोकतंत्र बीजेपी के अंदर कहां लोकतंत्र है? आप बात करने दीजिए, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की अगर वायलेशन करते तो बीजेपी करती है, बीजेपी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। पूरे देश में डेमोक्रेसी खत्म बीजेपी ने किया है। तनाशा देश पर रूल कर रहा है। आप अपनी पार्टी के बारे में बात कीजिए। राजेंद्र सिंह जादौन साहब, हाँ जी, हाँ जी, क्या कुछ बचा है देश के अंदर? कोई राजनीतिक पार्टी है जो किसी को परिवारवाद पर ज्ञान दे, किसी को अनुशासन के नाम पर और लोकतंत्र के नाम पर ज्ञान दे या सिखाने की कोशिश करे, कुछ बताने की कोशिश करे? कोई पार्टी है अभी फिलहाल? देखिए, इतनी ईमानदारी से तो किसी पार्टी में काम नहीं हो रहा है। जो लोकतांत्रिक होने का दावा करते, ठीक है, वहाँ परिवारवाद नहीं है, लेकिन वहाँ व्यक्तिवाद तो है। हाँ। व्यक्तिवाद है और व्यक्ति का अपना ग्रुप है वो हावी है। तो ऐसी स्थिति आए तो ऐसी स्थिति में कोई किसी को क्या नसीहत दे सकता है कि आप इस रास्ते पर चलिए या उस रास्ते पर चलिए? ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि अपने अधिकार, अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए सब काम कर रहे हैं। जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको साबित करने के लिए किस तरह से काम किया गया है, कोई ईमानदारी से स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि जो राजनीतिक माहौल इस देश में बना हुआ है वहां सब इस तरह से ही है। ज्यादातर क्षेत्रीय दल परिवारवाद पर आधारित है या राष्ट्रीय दलों में ग्रुप हावी है, व्यक्तिवाद हावी है। तो इस तरह से क्या है, उसकी वजह से जो देश हित में प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि जिस क्षमता के साथ काम हो सकता था उसमें कहीं ना कहीं कटौती होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर वो ईमानदारी से लोकतांत्रिक मूल्यों से काम होता तो साली ये परिस्थितियां जो देश में दिखाई देती, अच्छा, है, जब भी हमारी विषमताएं दिखाई देती है, व्यक्तिवाद हावी होता है, तो फिर वहां कहीं ना कहीं लोकतंत्र कमजोर होता है। लोकतंत्र कमजोर होता है निश्चित तौर पर। अच्छा, लोग भी जो है उस व्यक्तिवाद में मोहित हो जाते हैं। अच्छा। वो भूल जाते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमें किस तरह से चलना चाहिए था और हम किस रास्ते पर जा रहे हैं इनके पीछे, ये भी लोग भूल जाते हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में भी एक सब कुछ हुआ। देखिए, लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में, हमारा किसी भी पक्ष के साथ नहीं है कोई संबंध, लेकिन यह है कि अगर लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा था तो ये आवाज जो है सार्वजनिक मंच पर आनी चाहिए थी, क्योंकि ये सार्वजनिक दुनिया जीवन है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपने पहले तो छिपा के रखा, पहले तो आपने इस तरह से बना के रखा जैसे पारिवारिक अफेयर है, फिर आपने खोल दिया कि लोकतांत्रिक मूल्यों का सवाल है। जी, आपने कहा कि पार्टी के अंदर का मामला था और आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर ही सब कुछ सुलझा लिया जाए, लेकिन यहां तो सुलझने के बजाय इस कदर बाहर चीजें निकलकर सामने आई जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की थी। यानी व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे पर निशाना साधा गया, पार्टी में एक दूसरे को पूरी तरह से घिरने की कोशिश की गई, तो फिर इतना बचाने की जो कोशिश हो रही थी तो नाकामी कहां पर मिली? नासिर भाई, अब पीछे जो भी प्रकरण हुआ उस पर अब आगे मेरे ख्याल से चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के लोगों ने देखा कि किसके साथ अन्याय हुआ और किस तरह से इतनी बड़ी कार्रवाई की गई और बहुत सोची समझी साजिश के तहत की गई। तो आम जनता, हरियाणा प्रदेश के लोग जानते हैं। अब हमारा किसी भी तरह से कोई, अच्छा, अरविंद भारद्वाज जी, क्या ऐसा भी हुआ है कि कोई महत्वाकांक्षाओं में, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हावी हो गई? कई बार हम गलत फहमी में जी लेते हैं तो अपने आप में हम बहुत सारी चीजें ऐसी समझ लेते हैं। और जिस तरह से एक बात का जिक्र नीलम चौधरी ने किया कि दोनों ही जो पक्ष है, चाहे वो अजय चौटाला हो चाहे अभय चौटाला हो, कहीं ना कहीं विश्वास लोगों को फिर एक शक पैदा हो जाता है कि ये आपस में इतने उलझे हुए हैं, कल को अगर प्रदेश की कमान देने की नौबत आती है किसी एक पक्ष को तो वहां लोग विश्वास जगमगाता तो वो किसी और को चुन लेते हैं, क्योंकि सत्ता की लड़ाई तो है, सत्ता तो हासिल करनी है सभी को। नासिर भाई, दुष्यंत चौटाला जी के रूप में आज हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक बहुत बेहतर विकल्प मिल गया है और ये उस दिन जींद की धरती पे सबने देखा कि बिना किसी नियोक्ते के, बिना किसी तय कार्यक्रम के, वहां लाखों की तादाद में जो लोग पहुंचे, उनका जो जोश था। और आने वाली 9 तारीख को 9 दिसंबर ये सब इसलिए हुआ अरविंद भारद्वाज जी की दुष्यंत चौटाला अगर इनेलो के अंदर रहते तो शायद वो मुख्यमंत्री पद तक नहीं पहुंच सकते थे, एक रास्ता अख्तियार करना पड़ता उन्हें, इसलिए सब कुछ हुआ है ना? नहीं, हमारी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं थी। ये तो जिस तरह से हालात बनते गए, जिस तरह से कार्रवाई उनके खिलाफ की गई, उससे इतना क्रोश
के रूप में दुष्यंत चौटाला जी को एक समर्थन मिल रहा है जनता का, और आप 9 दिसंबर को देखना इतनी बड़ी तादाद वहां होगी रैली में जींद में कि आज तक हरियाणा में ऐसी कोई रैली हरियाणा में देखी नहीं होगी चौधरी देवीलाल जी के समय के बाद। एक बात और बताएं कि क्या रैलियों में तादाद, अगर उस वक्त आपकी रैली में बहुत ज्यादा तादाद आ जाए, बहुत ज्यादा यानी हरियाणा के इतिहास को, हरियाणा के इतिहास में जो रैलियों का इतिहास रहा हरियाणा के अंदर, वो सारे रिकॉर्ड टूट जाएं, तो क्या इस बना पर कोई ये समझ सकता है कि उनकी सरकार बनने वाली है चुनाव जब आएंगे तो? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब जींद में आप, जब जींद के अंदर रैली हुई थी 2014 में जब इलेक्शन चल रहे थे, तो वो भी बहुत बड़ी रैली थी, लेकिन आप लोग हार गए चुनाव। इनेलो की मैं बात करूं तो उस टाइम पर तो आप इनेलो में थे। उस वक्त हमारी ये मजबूरी रही कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को दोबारा इन्होंने जेल भेज दिया था, और वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि उस वक्त तक हमारा चेहरा, जो मुख्यमंत्री चेहरा थे, वो चौटाला साहब ही थे और वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो एक बहुत बड़ा संदीप पार्टी के लिए। परंतु आज जो हमारा चेहरा जनता के बीच में है, पूरे प्रकरण में जनता उसे पसंद करती है, और आप देखना संदीप गोयल जी, मतलब आपने, आप लोगों ने जो पार्टी में जो कुछ हुआ है ना, ये इस पर कई बार बात होगी होगी, और मैं तो शुरू से एक बात पर चल रहा था कि ये सिर्फ आपके, ये सिर्फ चौटाला परिवार का मामला नहीं था, ये प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाओं का मामला था कि उनके सामने बड़ी ही कश्मकश की स्थिति आ जाती है कि कल तक वो किसी एक नेता के, सब नेताओं के खिलाफ वो नारे, सब नेताओं के समर्थन में नारे लगा रहे थे, फिर उनको किसी एक के खिलाफ बोलना है। नासिर जी, आपने सही पॉइंट उठाया है, जो ये घटनाक्रम जन सेवा दल के द्वारा किया गया, इससे इंडियन नेशनल लोकदल के लाखों कार्यकर्ता मायूस हुए हैं, उनके साथ एक अन्याय हुआ है। जहां तक रैलियों में भीड़ के करने से, अगर सत्ता अगर आती है तो 7 अक्टूबर गोवाणा को हमने विशालतम रैली की थी हरियाणा के इतिहास में, लेकिन इन्होंने व्यक्तिवाद के चक्कर में चौधरी देवीलाल जी के जो सिद्धांत थे, त्याग तपस्या बलिदान, उन चीजों, उन प्रिंसिपल्स को इग्नोर करके, इन जो कहते रहे कि पार्टी सर्वोपरि है, व्यक्ति ऊपर नहीं है, लेकिन इन्होंने व्यक्तिवाद के चक्कर में पार्टी को झुकाने का, तोड़ने का कार्य, काम किया, और जो जो इस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, क्या वहां पर व्यक्तिवाद नहीं है? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल की बात जहां तक नासिर जी है, इंडियन नेशनल लोकदल कहीं चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास रखने वाली पार्टी है, चौधरी देवीलाल जी से लेकर आज तक जो हमारी युवा पीढ़ी रही है, लगभग हमारी पार्टी के परिवार का 80 साल का इतिहास है। जननायक सेवा दल के लोग कह रहे हैं कि आपने चौधरी देवीलाल की नीतियों को ही तो छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, छोड़ के तो ये भागे हैं, हमने तो आज भी कह रहे पार्टी सर्वोपरि है, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कभी भी दावा नहीं किया गया मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, जबकि यहाँ दुष्यंत चौटाला, मैडम नैना चौटाला और मेरे भाई अभी खुद कह रहे थे कि दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री, ये सारी ये खुद की सत्ता लालच के चक्कर में कार्यकर्ताओं को उम्मीद लगाए बैठे थे कि हरियाणा में इंडियन फाइनल कमेंट होगी। मैं आपको बता दूं, आपके पास घात किया, अन्याय किया, ठीक है अरविंद जी, आता हूँ आपके पास, ठीक है अरविंद जी, फाइनल कमेंट सुखविंदर नारा जी। देखिए, यहाँ पर जो बात चल रही है कि ये विचारधारा का डिस्प्यूट है या परिवारवाद का डिस्प्यूट है, मैं एक बात कहूंगा कि इनेलो पार्टी के अंदर कोई विचारधारा थी ही नहीं, ये सिर्फ एक परिवार पर आधारित पार्टी थी, ताऊ देवीलाल की जो विरासत थी उसको ये संभाले हुए थे, लेकिन अब ये फेल हो चुके हैं दोनों धड़े, मैं कहूंगा दोनों धड़े ही ताऊ देवीलाल के जो सिद्धांत थे, प्रिंसिपल्स थे, उसको फॉलो करने में फेल साबित हुए हैं। आपकी विचारधारा सोनिया गांधी तक सीमित रहेगी, बस मेरे ख्याल में और कोई विचारधारा बाकी नहीं। नीलम चौधरी, आप लोग जनता की बात करने में विफल साबित हुए, ठीक है ठीक है नारा जी, नीलम चौधरी जी बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप, आगे कभी अस्तित्व आप ही देखिए, जैसे पार्टियों की आपसी लड़ाई है, कांग्रेस की भी और इनेलो की भी, ये जनता के सामने खुद दिखा रही है कि हम जो है किसी भी तरह से शासन करने के योग्य नहीं है, और जनता जो है एक मजबूत संगठन की तरफ ही देखती है, इसलिए बीजेपी से बात को सीखने को बीजेपी को मिला होगा ना, को और भी ज्यादा जो है उसको तरजीह दी जाती है, ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि आप सीख भी बहुत रहे होंगे इस चीज से जो कुछ चल रहा है। नहीं, हमारी तो ऑलरेडी ट्रांसपेरेंसी है, और नहीं है ना, कहीं ना कहीं देखिए कर रहे हैं दिक्कतें, तो आपके यहाँ भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके में मुकाब है, रिजॉल्व हो जाते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, लेकिन बहुत संक्षेप में जादव साहब फाइनल कमेंट। देखिए, ये जो लड़ाई इनेलो की चल रही है, ये इनको साबित करना चाहिए कि विचारधारा की लड़ाई थी, और ये पिछड़ चुके हैं साबित करने में, इनको पहले से मुद्दा उठाया जाना चाहिए था कि आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो रहा है, उस लोकतंत्र को बहाल करने के लिए हम लड़ेंगे, लोगों के बीच में मैसेज जाना चाहिए था, अगर आपको बोलने नहीं देगा तो वॉकआउट करते, ये साबित करते, प्रेस को बुलाते, ये बताते
कुछ कि भाई ये जो है पार्टी के नाम बोलने से रोका जा रहा है, उसी समय रिवोल्ट होना चाहिए था जब पूछा जा रहा था कि क्या ओपी चौटाला जी इसमें कोई समझौते की भूमिका निभा सकते, तो उसका कोई जवाब नहीं था। अच्छा, अजय सिंह जी लगातार ये कह रहे थे कि हम सम्मानजनक समझौता चाहते हैं, तो आखिर में वो सम्मानजनक समझौता क्यों नहीं हुआ? ठीक है, वो कौन सा फॉर्मूला था भारद्वाज जी जो होने से लागू होने से रह गया? ठीक है सर, इसका भी तो खुलासा होना चाहिए। में अब क्या रणनीति है, पार्टी का नाम उन्हीं के मुताबिक रखा जाएगा जो मशवरा दे रहे हैं? नासिर भाई, नाम का तो फैसला 9 तारीख को ही होगा जब बड़ी रैली हमारी जींद में होगी, और उसी दिन नाम चुनाव चिन्ह सभी डिसाइड हो जाएंगे। और अब लड़ाई मैं इस बहस पर नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि इनेलो के साथ नहीं, अब हमारी जो लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी के साथ है, और हरियाणा प्रदेश से इन दोनों पार्टियों को खड़ेंगे और एक नई शुरुआत। कल को जरूरत पड़ी इन दोनों पार्टियों को, इन दोनों पार्टियों को दूर रखने के लिए, तो इनेलो को समर्थन भी दे सकते हैं? नहीं, नहीं क्योंकि चौधरी देवीलाल जी की जो विचारधारा को जो लोग नहीं मानते, जो लोग से राज करना चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पर भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप गोयल साहब, अरविंद भारद्वाज जी, नीलम चौधरी जी, सुखविंदर नारा जी और राजेंद्र सिंह यादव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पुत्र मोह की बात आ रही है, परिवारवाद की बात आ रही है, व्यक्तिगतवाद की बात आ रही है, और जब ये बात हो जाते हैं तो उस दौरान बहुत से ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिनके जवाब पाना जरूरी हो जाता है। लेकिन एक चीज राजनीतिक दलों को ये बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके साथ सिर्फ आपके परिवार और सिर्फ कुछ लोग ही जुड़े नहीं होते, हजारों लाखों की तादाद में कार्यकर्ता होते हैं, और उस दौरान उनके लिए बड़ी मसले और मुश्किलें खड़े हो जाती हैं जब वो कल तक किसी के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं और फिर उन्हें किसी की मुखालफत करनी होती है। इस बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि जब प्रदेश और देश की बात हो तो फिर पार्टियों का वजूद मजबूती के साथ, लोकतंत्र के साथ रहना बहुत जरूरी है। इस खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।